नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज बुलेटिन में आपके साथ मैं शिवांगी। आई डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित, शॉल उड़ाकर किया सम्मान। रांची में रांची यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारी द्वारा कार्यक्रम वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी पर चर्चा, समाज को सुंदर बनाने के लिए मूल्यों को करें शामिल। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सेना के जवानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 80 अधिकारियों ने ली स्व सशक्तिकरण के लिए ट्रेनिंग। तो दिल्ली में भी जवानों ने सीखी तनाव प्रबंधन की युक्ति, सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। इंदौर के ज्ञान शिखर में मीडिया के समक्ष मूल्यानुगत चुनौतियां विषय पर संपादक संवाद। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर व खंडवा समेत अनेक जिलों के वरिष्ठ पत्रकार हुए शामिल। ओडिशा के रायगढ़ में लोकसभा सदस्य एन भास्कर राव ने किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बनाओ अभियान का शुभारंभ, संस्थान के महिला प्रभाग का आयोजन। और लंदन के साइंस म्यूजियम में भारत के वैज्ञानिक विरासत के एग्जीबिशन, ब्रह्मा कुमारीज ने भी की सहभागिता। मैजिक कार्पेट सेशन में मेडिटेशन द्वारा कराई लोगों को सुखद अनुभूति। इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट का भी प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय की मुलाकात झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से रांची में हुई। इस मुलाकात के दौरान बीके मृत्युंजय ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए मुख्यालय में फरवरी 2018 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया। इसके साथ ही शॉल उड़ाकर सम्मानित कर निराकार परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस मौके पर संस्था द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा के निदेशक बीके पंड्यामणि, बांकुड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिफाली एवं कटक की बीके लीना भी मौजूद रहीं। रांची यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग व रांची सेवा केंद्र द्वारा वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम का आयोजन आर्य भट्ट ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें माउंट आबू सैर शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय ने स्पिरिचुअल एजुकेशन और राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताया। The human behavior, when I read the newspaper, what I see, what I notice, what I experience, to me, number one, criminalization of human conscious. मनुष्य को मस्तिष्क के आत्मा को विचारों को अपराधीकरण की ओर लेके जाने का विधि। खुशी, शांति एवं प्रेम ही जीवन के सच्चे साथी हैं। हर देश, धर्म, जाति एवं रंग के लिए सुख शांति की परिभाषा एक ही है। मन का मन से रिश्ता जोड़ना और शिक्षा में मूल्यों का समावेश करना ही उच्च जीवन का आधार है। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के उपकुलपति रमेश पांडे ने कहा कि आंतरिक सुख के लिए ये जरूरी है कि स्वयं में जो अच्छी बातें हैं उसका अवलोकन करें। सदा इस बात को कहता हूँ कि आंतरिक सुख के लिए आवश्यक है कि आप अपने अंदर जो अच्छी बातें हैं उसका अवलोकन करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको ईश्वर ने इन गुणों को दिया है। शिक्षा में मूल्यों का समावेश किया जाए तो समाज बहुत ही सुंदर बन सकता है, ऐसा कहना था रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला का, जो उन्होंने कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किया। मॉरल एजुकेशन को शिक्षा में समावेश किया जाए तो समाज बहुत ही सुंदर बन सकता है। साथ साथ जो आज के युवा और युवतियाँ हैं उन्हें अगर ये शिक्षा मिलती है तो वो आज जो युवक हैं वो कल समाज को संभालने वाले होंगे तो उनके अंदर भी बहुत मजबूती आ जाएगी। इस उपलक्ष्य में बीके पंड्यामणि ने शिक्षा में मूल्यों को शामिल करने के महत्व को बताते हुए प्रभाग की सेवाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान सभी वरिष्ठ सदस्यों को यूनिवर्सिटी के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और उपस्थित युवाओं से गुणों को धारण कर सफलता हासिल करने की सलाह दी।
वहीं सेवा केंद्र पर भी सफलता की कुंजी आध्यात्मिक मूल्य खुशी एवं एकाग्रता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए बीके मृत्युंजय ने कहा कि स्व उन्नति के लिए संकल्प श्रेष्ठ व शक्तिशाली होने चाहिए, तभी इस विशेष युग यानी संगम युग का विशेष लाभ ले सकेंगे। अंत में सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई व उपस्थित लोगों से राजयोग के अभ्यास द्वारा गुणवान बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर बीके अनंता, बीके शेफाली, बीके लीना समेत अन्य अतिथि व विशिष्ट लोग मौजूद थे। देश की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात जवानों के लिए गुरुग्राम के ORC में सेल्फ एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप पर प्रेरणादायक डायलॉग का आयोजन हुआ। इस डायलॉग में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, BSF, CISF, CRPF, NSG, SSB, ITBP पुलिस के 80 सीनियर ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया, जिन्हें संस्थान के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने सेल्फ एम्पावरमेंट और लीडरशिप की युक्तियाँ बताई। सिक्योरिटी सर सिंह विंग को देखिए कि मेडिटेशन की वजह से हम लोग कितना प्रोफिशिएंटली कार्य कर सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से बहुत अच्छे तरह के रोल्स अदा कर सकते हैं वॉर में भी और पीस में भी। मैं जो इस शरीर का संचालन करने वाली शुद्ध शक्ति है आत्मा, जैसे वो परम शक्ति परमात्मा के लिए हम उच्चारण करते हैं सत चित आनंद स्वरूपम करते हैं ना, ऐसे मैं आत्मा भी सत्य हूँ, चैतन्य हूँ और मेरा शरीर के अंदर वास प्रकृति के अंदर है। एक होती है दवाई और एक होती है दुआ। दुआ तो कहीं से नहीं मिल जाएगी, आप दुआ दे सकते हैं। यहाँ बैठे आप साइलेंस में उन्हें शुभ भावनाएं देंगे, वहां पर उसका रिस्पॉन्स अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप शुद्ध पवित्र निर्मल दिल से अपने लोगों को वाइब्रेशन के द्वारा मदद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए प्रतिभागियों ने कार्यक्रम और ORC के आध्यात्मिक वातावरण की प्रशंसा करते हुए इसे बहुत ही उपयोगी बताया। हर एक आदमी की इच्छा होती है, हर एक आदमी, खास करके फौज में मैं कहूँगा कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस में स्पिरिचुअलिटी बहुत लेवल तक बढ़ी हुई है, लेकिन उसको किस ढंग से किस समय पर ठीक डायरेक्शन दिया जाए उसकी थोड़ी ज़रूरत है। और स्पिरिचुअलिटी के ही बल पर फौज आगे बढ़ती है। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल दे वर्क, वी प्राइड आवरसेल्व्स इन द फोर्सेस आर वर्किंग 24/7, बट हियर people actually work 24/7 because there is no concept of on duty, off duty, there is no concept of half day, holiday, Sunday, there is nothing like that, so everybody is available all the time। यह डायलॉग संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित था, जिसका शुभारंभ इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ओम प्रकाश, कोमोडोर आनंद गोशाल, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन, सुरक्षा सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अशोक गावा, राष्ट्रीय संयोजिका बीके शुक्ला, ORC के निदेशिका बीके आशा, कमांडर शिव सिंह ने दीप जलाकर किया। ORC में अपने मन को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक और खुशखबरी की बात है। अब यहाँ मन के साथ तन को दुरुस्त रखने के लिए हीलिंग गार्डन का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजोगी दादी रतन मोहिनी ने अपने कर कमलों से रिबन काट कर किया। दादी जी के आगमन पर ORC के सदस्यों में खुशी और उमंग की लहर दौड़ गई। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक लिए जवान इस देश की शान और करोड़ों लोगों की जान होते हैं। ऐसे में उनका तनाव से मुक्त होना व सशक्त बनना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के छावला में ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा BSF के 25 बटालियन,
कैंप में 2 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई से आए मोटिवेशनल ट्रेनर बीके वी गिरीश ने सेल्फ एम्पावरमेंट, बीके दीपा ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, पुणे के बीके सरिता ने हार्मोनियस रिलेशंस और दिल्ली के बीके सारिका ने इनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बीके हेमा ने राजयोग का अभ्यास कराया व माउंट आबू से बीके वीरेंद्र ने स्लीप मैनेजमेंट विषय पर चर्चा की। इस पूरे कार्यक्रम में एसी विशाल शर्मा, डीसी सुनील कुमार सिंह समेत 150 से अधिक बीएसएफ जवानों ने सहभागिता की और बड़ी रुचि के साथ पूरे सेशन अटेंड करने के साथ ही 7 दिवसीय राजयोग शिविर का कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। अंत में बीके सदस्यों ने अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। लोक जागृति का सशक्त माध्यम है मीडिया, इसलिए मीडिया कर्मियों को अपने जनसेवा के महत्व को और उनके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा। इसी उद्देश्य के साथ इंदौर में ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईदी सभागार में मीडिया के समक्ष मूल्यानुगत चुनौतियां विषय पर संपादक संवाद का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं ब्रह्मा कुमारी इंदौर जोन के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी के द्वितीय स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में संस्था में मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके करुणा ने इंदौर में मूल्यों के विषयों पर आयोजित इस तरह के प्रथम संपादक संवाद के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन संस्था के सहयोग से अन्य प्रदेशों में भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार व मीडिया विश्लेषक एन के सिंह ने कहा कि इस समय न्यूज का कैरेक्टर बदलने का समय है। जो आज आपने माहौल देखी, जो खुले दिल से हम लोग सब बोल रहे हैं, ये और किसी भी प्रोफेशंस के हमारे साथ होंगे तो हम इतने, क्योंकि हमको अपनी सम्मान भी है, तो इसलिए ये जो शुरुआत हम किए हैं इसको देश में हर स्टेट पे ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हम यहाँ से किए हैं। सच बोलना, सत्य पर अडिग रहना, ये गांधी का देश है, लिहाजा इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, आप इसी से कर सकते हैं और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार हम लोग तय करके खड़े हो जाएंगे, एक बार अंदर झांके शाम को बैठे कि कितना हम इस पे तन के खड़े हो रहे हैं, और सच पूछिए 10 खड़े हो जाएंगे तो ये देश बदल जाएगा। इस मौके पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि इससे जुड़े लोगों को समय प्रति समय चर्चा करती रहनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष निकले उस समय के अनुसार पत्रकारिता में शामिल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है कि कम से कम मीडिया जो परंपरागत रूप से भले ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता हो, लेकिन लोक जागृति का सबसे सशक्त माध्यम है। वही कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार ने माउंट आबू में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सराहना की और बीके सदस्यों का आभार माना। माउंट आबू में जितने राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सेमिनार करवाए हैं और उसमें देश भर के कुछ मालिक, कुछ संपादक, कुछ पत्रकार, कुछ पत्रकारिता के शिक्षक, कुछ विज्ञापन क्षेत्र के लोग, कुछ जनसंपर्क के क्षेत्र के लोग, कमोबेश पूरे देश से उस सेमिनार में आए हैं और एक अच्छा सोच लेकर के, एक अच्छी अनुभूति लेकर के वहां से गए। ब्रॉडकास्टिंग एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव तथा इंडिया टीवी के पूर्व प्रधान संपादक अजीत अंजुम ने कहा कि मूल्यों का हास समाज के हर वर्ग में हुआ है। मीडिया के सामने मूल्य और चुनौतियां व्यक्ति से शुरू होती हैं और यदि मूल्यों को बचाना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करें। तो मुझे अच्छा लगा ऐसी जगह पर आके जहाँ एक बहुत ही आत्मिक और आध्यात्मिक माहौल है, तो ब्रह्म कुमारी समाज को शुक्रिया बुलाने के लिए। मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मानसिक पत्रिका राजी खुशी के संपादक प्रोफेसर कमल दीक्षित इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे। उन्होंने कहा कि यदि सोशल चेंज कोई कर सकता है तो वह पत्रकार ही है।
पत्रकारिता की भूमिका पर बात करता हूं कि आप समाज के लिए, क्योंकि ओम प्रकाश जी के मन में एक बात थी कि सोशल चेंज अगर कहीं हो सकता है और जो कोई वर्ग अगर जिसे कर सकता है वो पत्रकार होगा, क्योंकि विचारों के आदान प्रदान का अब अगर कोई केंद्र बचा है या आप कोई निकाय है या आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो वो पत्रकारिता है। इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय संयोजिका बीके हिमलता ने सभी को राज्यों की अनुभूति कराई और प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका बीके अनीता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष संजय जोशी, युग प्रभाग के संपादक एवं जीवन नव भारत ग्रुप के एडिटर क्रांति चतुर्वेदी समेत इस संवाद में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़ व खंडवा तथा विभिन्न जिलों से सभी समाचार पत्रों के संपादक एवं पत्रकारों ने विचार विमर्श में भाग लिया। ओडिशा के रायगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सशक्त बनाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सदस्य एन भास्कर राव, CDMO शिव प्रसाद पाणी, JK पेपर लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव पवन कुमार सूरी, GIIT के सचिव डॉक्टर चंद्र ध्वज पंडा, ऑटोनोमस कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर के सिल्वा राजू, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, सबजोन प्रभारी बीकन नीलम ने दीप जलाकर किया। अशोक कल्याण मंडप में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके डॉक्टर सविता ने समाज के नव निर्माण में बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला और बेटियों को अध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग द्वारा सशक्त बनाने का आह्वान किया। साथ ही एन भास्कर राव ने संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज की उन्नति के लिए महिलाओं को सशक्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस आयोजन से पूर्व जन जागृति के लिए शहर में रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बीके बहनों समेत संस्थान से जुड़े लोगों ने शामिल होकर बेटियों को शिक्षित व जागरूक करने का आह्वान किया। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा शिव ने जीवन का सार समझाया है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि गीता में वर्णित महावाक्यों का स्पष्टीकरण ऐसा हो जो लोग उसके वास्तविक अर्थ को समझ सकें और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में शामिल कर हर प्रकार के तनाव से बचते हुए एक खुशहाल जीवन बना सकें। इसी लक्ष्य को लेकर दिल्ली के त्रिनगर में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान रहस्य प्रवचन माला का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पार्षद मंजू संजय शर्मा, दिल्ली में कांग्रेस के उपाध्यक्ष छतर सिंह, कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा, रानीबाग सेवा केंद्र से बीके सरला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने कैंडल लाइटिंग कर किया। इस मौके पर बीके बहनों ने कहा कि वर्तमान समय परिवर्तन का दौर है, ऐसे में सभी के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जो समय के साथ परिवर्तन कर सके। वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद बीके वीणा ने श्रीमत, मनमत, लोकमत के बारे में बताते हुए परमात्मा द्वारा दिए गए श्रीमत का महत्व बताया। इसके साथ ही सभी को कैंडल देकर अंतर की यात्रा कराई, जिससे सभी को सुखदायी अनुभव हुआ। मैं आत्म ज्योति परम ज्योति परमात्मा के साथ निरंतर संबंध बनाए रखूंगी, शक्ति लेती रहूंगी, अपने आप को संतुष्ट रखूंगी। अतिथियों ने इस प्रवचन माला से सभी को लाभ लेने का आह्वान किया और बताया कि आज जरूरत है सही रोशनी की, जो हमको सही मार्ग प्रशस्त करे, और यही कार्य ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं। जो पवित्रता आपके संस्थान की है और यहाँ से नहीं है, किसी ने अगर साक्षात बहन जी के दर्शन किए हों तो वो आदमी धन्य हो जाता है। और जिस तरह की संस्था आप चलाते हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से केवल एक ही बात कहता हूँ कि जिसको ये मौका मिल गया कि आपके संस्था से जुड़े हैं तो उसको एक अच्छे संस्कार की तरफ आप ले जाते हैं। अंत में बहनों ने अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की और 3 दिवसीय राजयोग शिविर के बारे में जानकारी देते हुए उससे लाभ लेने का आह्वान किया।
तमिलनाडु के नागेरकोइल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 80 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो से मंगाविलाई राजेंद्रन, विवेकानंद आश्रम के स्वामी सत्यानंद, महिला कोर्ट के जज जॉन आर डी संतोषम, डॉक्टर श्रीनिवास कन्ना, अल्पसंख्यक ग्रुप के सेक्रेटरी मेरान मायडिन, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना, कन्याकुमारी की वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बी के माला एवं सेवा केंद्र प्रभारी बी के कोकिला समेत नगर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस खुशी के मौके पर अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और संस्थान द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में किए जा रहे सेवाओं की प्रशंसा करते हुए बीके बीना को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं बीके बीना ने परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश देते हुए कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपने दिव्य ज्ञान और राज्यों के द्वारा एक व्यवस्थित व सुखमय संसार की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ मानव में मानवीय मूल्य होंगे और उन्हें देवी देवता के नाम से जाना जाएगा। इस कार्यक्रम में चेन्नई से आई राजयोग शिक्षिका बी के रंजना ने राजयोग का अभ्यास कराया व तनाव से मुक्त होने के लिए इसकी क्या भूमिका है, इस पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर किया व अंत में बी के बहनों ने ईश्वरी सौगात भेंट की। वहीं मुंबई के माहिम सेवा केंद्र के 25 साल पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन सेंट माइकल चर्च के फादर लिंकन रिवेलो, हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी एम सोहेल खंडवानी, कथक नृत्यांगना सोनिया परचूरे, यातायात पुलिस प्रभारी नीता फटके, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद एडकर, सांता क्रूज सब जोन प्रभारी बीके मीरा, सांता क्रूज ईस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उज्ज्वला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर व केक काटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर अतिथियों ने इन सालों में की गई ईश्वरीय सेवाओं की सराहना करते हुए समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया था और अंत में बीके उज्ज्वला ने सभी अतिथियों को निराकार परमात्मा पिता शिव का परिचय देते हुए उनका स्मृति चिन्ह भेंट किया। केरला में स्वर्णिम भारत आगमन संदेश यात्रा ने इरिन जालाकुड़ा के 3000 से अधिक लोगों को उनमें निहित शक्तियों से अवगत कराया और उसे जागृत करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान के द्वारा 7 दिनों तक पूरे इरिन जालाकुड़ा में जन जागृति फैलाई गई, जिसकी सफलता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ शिवा टेम्पल के अध्यक्ष एडवोकेट वेला युधन, NSS के अध्यक्ष एडवोकेट श्रीधरन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरेंद्री, बीके लता, बीके सुमा और बीके गोपीनाथ ने दीप जलाकर किया। इस दौरान अतिथियों ने कार्यक्रम की सफलता की जमकर सराहना की। इसके पश्चात अतिथियों ने शिव ध्वज दिखाकर अभियान को आगे के लिए रवानगी दी। इस अभियान का उद्देश्य अगले एक वर्ष में 108 गाँव में जाकर लोगों को मानवीय मूल्यों के विकास के लिए जागृत करना है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन के साइंस म्यूजियम में 2017 ब्रिटिश और भारत की संस्कृति को नामित है। इस मौके पर एल्यूमिनेटिंग इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ साइंस एंड इनोवेशन एग्जीबिशन के माध्यम से भारत की वैज्ञानिक विरासत को दर्शाया गया, जिसमें जीरो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एस्ट्रोनॉमी सहित अनेक आविष्कार शामिल थे। इस प्रदर्शनी के साथ ही कुछ स्पेशल इवेंट भी आयोजित किए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी सहभागिता की। इस उपलक्ष्य पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 12 फन एंड रिलैक्सिंग मेडिटेशन सेशंस कराए गए, जिसमें 100 से भी अधिक लोगों ने ओम ध्वनि के साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास किया। मैजिक कॉर्पोरेट सेशन में कराए गए मेडिटेशन में सभी ने बहुत ही सुखद व आरामदायक स्थिति की अनुभूति की। अगले दिन भी ब्रह्मा कुमारीज को मंथली इवेंट लेट्स में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें बीके मेंबर्स ने इंटरैक्टिव वर्कशॉप आदि में हिस्सा लिया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज में यूरोप की निदेशिका बीके जयंती, सीनियर राजोगा टीचर बीके जैमिनी, बीके दीप्ति और माउंट आबू से आए सोलर थर्मल पावर प्लांट के सलाहकार बीके गोलो पिल्स ने म्यूजियम में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अध्यक्ष डैम मैरी आर्चर से मुलाकात की, जो कि सोलर एनर्जी के बारे में जानने की काफी इच्छुक थी। बाद में उन्होंने बीके गोलू पिल्स के सेशन अटेंड किए और यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती और बीके नेवल से भी मुलाकात कर चर्चा की।
लेट्स इवेंट के दौरान वंडर लैब शो स्पेस में बीके गोलू पिल्स ने अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत सोलार प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की, जिसमें लगभग 80 लोगों ने इसके बारे में जानने की विशेष रुचि दिखाई और इसका लाभ लिया। वहीं पैटर्न पॉड में बीके जयंती, बीके मॉरिन, बीके नेवल और बीके जैमिनी ने 4 इफेक्टिव सेशन कराए, जिससे पूरे म्यूजियम में साइलेंस का वातावरण हो गया। इस सेशंस में थिंग एक्सपीरियंस एंड फील लवफुल, थिंग एक्सपीरियंस एंड फील वाइज समेत अनेक विषय शामिल थे। इसके साथ ही बीके जैमिनी ने 10 वेज टू चेंज द वर्ल्ड विषय पर सभी का ध्यान खिंचवाया। इसके साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से राजस्थान में थर्मल स्टोरेज से विकेंद्रीकृत स्वच्छ विद्युत उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना का विवरण भी प्रदर्शित किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें gwspeacenews.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।